स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी न्यूयॉर्क सिटी में और आज मैं जाने वाला हूं यहां से मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको कंट्री की कैपिटल है। और यहां से मेरी फ़्लाइट है JFK एयरपोर्ट से मैक्सिको के लिए। खास बात क्या है कि मैं जिस एयरलाइन से आज फ्लाई करने वाला हूं ना, इंटरनेट पे वो एयरलाइन मैंने कभी भी नहीं सुनी थी, कभी उसका नाम ही नहीं सुना था। एयरलाइन का नाम है वीवा एरोबस और मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था। मैंने गूगल पे सर्च किया तो और उसके रिव्यूज़ देखे तो सब रिव्यूज़ इतने ज़्यादा बेकार थे, लोगों ने भी लिख रखा था कि ये वर्स्ट एयरलाइन है मैक्सिको की। लेकिन क्या वो एक्चुअली में गंदी है या नहीं है, ये मैंने सोचा चलो एक्सपीरियंस करते हैं, इसी की टिकट कराते हैं। या नाइस राइड, थैंक यू मैन। तो मैं वीडियो बना रहे थे भाई, बोला वीडियो बना रहे हो दिखाओ मेरे को भी। बाकी सारी टिकट्स ना बहुत ही ज़्यादा महंगी थी यहाँ से मैक्सिको के लिए, तो इस एयरलाइन की टिकट काफ़ी सस्ती थी। मतलब मेरे को $320 के करीब में टिकट मिल गई। दो रीजंस थे ये टिकट कराने के, एक तो एक ये सस्ती थी, दूसरा रीज़न ऑब्वियसली ये था कि भी अपन जाके एक्सपीरियंस करते कि सच में इतनी गंदी एयरलाइन है क्या, क्योंकि लोगों के जब मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े सबने लिख रखा था कि वर्स्ट एयरलाइन है। पर फिर मैं थोड़ा और क्यूरियस हो कि चलो बेकार में ही ट्रैवल करके देखते हैं। हर बार अपन कोशिश तो करते कि अपना ट्रैवल आसान हो, एक बार ट्रैवल मुश्किल बना के देखते अपना। तो मैंने टिकट करा ली और मैंने सीट सिलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि भी एयरलाइन वाले खुद कैसा एक्सपीरियंस मेरे को ऑफर करते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा किसी चीज़ के पैसे नहीं दिए, सिर्फ मैंने बैगेज तो लिया था ज़रूर, और शायद मैंने $4-5 का इंश्योरेंस था, मैंने वो भी ले लिया था। उसके अलावा कुछ भी मैंने प्लान नहीं कर रखा, ना ऑनलाइन मैंने चेक इन किया, ना मैंने सीट सेलेक्ट करी, ना मैंने कोई मील्स लिए उसमें। तो अब अपन देखते हैं कि एयरलाइन खुद से कैसा एक्सपीरियंस अपने को देती है। यहाँ से मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट पहुँच के चेक इन वगैरह करते हैं और फिर अपन उठते हैं मैक्सिको के लिए। न्यूयॉर्क में मैं इधर रह रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये ना, मतलब बिल्कुल सिटी सेंटर भी नहीं है मैनहट्टन, वो मेरे को पसंद भी नहीं। उधर एक बार चले जाओ, दो बार चले जाओ, पर रहने के लिए ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है उधर। तो ये इलाका मेरे को काफ़ी पसंद है, मेरी बहन रहती है एक्चुअली इधर, तो मैं बहन के पास ही रुका हूँ। और यहाँ से अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, गाड़ी खड़ी है पीछे गैराज में, गाड़ी लेके मेरी बहन वापस गाड़ी लेके आ जाएगी घर पे। और ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से JFK एयरपोर्ट, गूगल मैप्स पे 25 मिनट ही दिखा रहे, तो एक और बेनिफिट है इस जगह का, एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। तो ये दो बैग लिए मैंने, एक तो ये बड़ा रक्सैक है, मैं वैसे इसी में सामान मैंने सारा डाला था, पर फिर मैं बिल्कुल ही सामान फिट हो रहा था और मतलब सुई भी नहीं आती, और एक और इसमें फिर मैंने सोचा चलो एक और बैग ले ही लेते हैं, छोटा वैसे मैं अवॉइड कर रहा था लेना कि भी फालतू का बोझ क्यों उठाए। अब ये दो बैग है अपने पास, बैग मेरे पैक्ड है, अभी अपन निकलते हैं। ये देखो यहाँ से हरियाली, डाइनिंग टेबल से, ये मेरे को एरिया बहुत पसंद है घर का। बीच में तेल डलवाने रुक गए थे हम और तेल कम था गाड़ी में थोड़ा, फुल टंकी करवाई हमने, तो कार्ड से जितने पैसे होंगे ना उस हिसाब से कट देंगे, ये गैलन में लिखा होता है इधर, जैसे 10 गैलन हो गया यानी कि 40-42-43 लीटर। कितने के लीटर होएगा एक गैलन में? 3.5 4.5 मेरे ख्याल। हाँ तो अभी मेरे ख्याल 40 लीटर आ चुका है इसमें। अभी टाइम 11:30 हो गया है और 2 बजे की फ्लाइट है, 2.5 घंटे बच रहे हैं, पर इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, 20 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट के। थोड़ा सा मेरे से खिंड गया तेल बाहर, इसका क्या इलाज करे, थोड़ा सा खिंड, कोई नहीं बस बंद कर दे, लॉक कर दे अच्छे से, टाइट है ना। ये आ गया टर्मिनल 1 JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क का, इधर से ही मेरा डिपार्चर है। अभी रेड लाइट हो रखी है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, और वो ये है कि हर इंसान चाहता है सेटल लाइफस्टाइल बड़ी सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क में, बट यूजुअली टू लिव योर ड्रीम लाइफ यू ऑफन नीड जॉब्स इन IT लाइक डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मोबाइल डेवलपर एटसेट्रा। मोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स थिंक दे नीड कोडिंग टू लैंड अ हाई पेइंग जॉब, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन फैक्ट आपको इन जॉब्स के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और जरूरी नहीं कि वो टेक फील्ड से ही हो। और यहीं पे हमारे आज के स्पॉन्सर कोडिंग इन्वेडर्स आते हैं, जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं।
ये एक आईटी प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विच हेल्प्स यू टू अवॉइड द रिस्क ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड मनी इन गेटिंग इनटू एन आईटी जॉब यू मे नॉट लाइक। दिस इज अ 9-month कोर्स विच कम्स विद 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी एग्रीमेंट। इन द फर्स्ट 6 weeks ऑफ द कोर्स यू लर्न अबाउट द डिफरेंट आईटी फील्ड्स और उसके बाद करियर काउंसलर की मदद से आप अपना पसंदीदा प्रोफेशन चूज करते हैं। देन यू लर्न अबाउट दैट आईटी प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच फॉर 8 months। कोर्स के बाद आप 1 महीने की इंटर्नशिप भी करोगे और उसके बाद आपको गारंटीड जॉब मिल जाएगी। स्टूडेंट्स हू एनरोल्ड विद देम गॉट 10-25 lakh worth of packages. Project case studies and modules are designed and instructed by industry experts from Amazon, Philips, Deloitte and many more. Enrollment करने से पहले आपको एक money back guarantee दी जाएगी, जिसका मतलब है कि अगर course खत्म होने के बाद आपको job नहीं मिलती है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? Register yourself with Coding Invaders to get a free counseling call. Check the link given in description and the pinned comment for more details. Use coupon code PP20 for 20% discount in the job guarantee batch. Only for the first 250 candidates. तो इधर ना सारे एयरलाइंस के नाम लिखे हुए कि भी कौन सी एयरलाइन का गेट किधर है, पर अपनी एयरलाइन का नाम कहीं वे भी नहीं है। तो अपन ऐसे रैंडमली अंदर घुस के फिर ढूंढते, इधर बाहर तो बोर्ड नहीं लगा हुआ अपनी वीवा एयर हो बस का। तो भाई ये रही अपनी फ्लाइट VB101 वीवा एयरोबस मेक्सिको सिटी के लिए 2 बजे और इसका चेक इन खुला है। डेस्क कौन सा है? डेस्क ये रहा, H01 से 06 तक गेट है अपना 1। एयरपोर्ट का ना ये वाला पार्ट तो काफ़ी साफ सुथरा है डिपार्चर वाला, लेकिन अराइवल वाला तो काफ़ी गंदा था, लगिन रहा था न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है, अपना इंडिया का बस स्टैंड लग रहा था। ये रहा जी सामने वो रहा एच, ये लाइन मेरे ख्याल अपनी एयरलाइन के लिए ही लगी हुई है। हाँ वो देखो सारे लैटिन अमेरिकन्स भाई। 15-20 मिनट लगाऊंगा लाइन में और बहुत ही स्मूथली हो गया सारा प्रोसेस। तो मतलब स्टाफ भी इनका मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बात करने में काफ़ी सही था। पासपोर्ट देखा, US वीज़ा देखा और उसी टाइम मेरे को बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया और जो एक बैग मेरे को चेक इन कराना था उस पर बैग का वो टैग लगा दिया, एक टैग मेरे बोर्डिंग पास पे लगा के दे दिया बहुत जल्दी। मतलब काफ़ी सही लगा मुझे अभी तक तो। गेट नंबर 1 है अपना, अब गेट ढूंढते हैं। ये डिपार्चर गेट, सॉरी इधर इनकी सिक्योरिटी है शायद। सिक्योरिटी भी गिनती के 10 मिनट में हो गई थी, पहले तो पासपोर्ट देखा ना उन्होंने मेरा, वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी हंस रहा था क्योंकि पासपोर्ट पे ना मेरे मूछों के साथ फोटो है, अभी मूछ की नहीं तो बोल रहा था कि मूछ क्यों कटवा ली। उसके बाद वही नॉर्मल बैग वाली चेकिंग मेरे को अलग लाइन में भेज दी उन्होंने, उसमें भीड़ नहीं थी इतनी, तो वो भी मुश्किल से 5 मिनट में सारा हो गया। बाकी गेट्स के लिए लाइन देखो कैसी लगी हुई है। मेरा गेट नंबर 1 है, ये है मेरे ख्याल गेट 7 की लाइन है, अभी तक तो गेट 1 ही दिखा रहे हैं, उधर ही चलते हैं। डिपार्चर वाला पार्ट काफ़ी सही है यार JFK एयरपोर्ट का, अराइवल तो काफ़ी बेकार था इसके कंपैरिजन में। तो मैंने ना जस्ट अभी यहाँ से एप्पल का एयर टैग खरीद लिया, ये बेसिकली ना बैग ट्रैक कर लेता है। एक मैं कल ले गया था एप्पल स्टोर से, आपने मेरी पिछली वीडियो में शायद देखा होगा, पर उस पर ना एक ही पीस था शायद, लास्ट पीस था वो, क्योंकि और मुझे मिला नहीं वहाँ पे, तो मैं एक ही ले पाया था, वो मैं ऑलरेडी अपने चेक इन बैग में डाल चुका। ये मैंने ले लिया एक और इस बैकपैक में डालने के लिए, क्योंकि सेंट्रल अमेरिका में ऐसे ही है, थोड़ा चोरी वगैरह काफ़ी होती है, तो इससे ना बैग ट्रैक हो जाते हैं, उस मामले में काफ़ी सही है। एप्पल स्टोर में तो मेरे को पड़ा था $32 का टैक्स के साथ, यहाँ पे पड़ा है $42 का टैक्स के साथ, वही 3,500 रुपये का। बोर्डिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है और खाली पड़ा है, मतलब इतनी भीड़ सी है नहीं, तो सही है बैठ जाते इसमें। ये कर लिया मैंने मेरे फाइंड माई आईफोन से कनेक्ट, अब ये जहाँ भी होएगा ना उसकी लोकेशन मेरे पास होएगी, और अब मैं इसे इस बैग में डाल लेता हूँ ताकि ये बैग मेरे से कभी खोता भी है तो मैं इसे ट्रैक कर सकता हूँ। ये देखो मेरे दोनों बैकपैक इसमें दिखाने लग रहा है, एक मैंने स्मॉल बैकपैक कर लिया जो मेरे पास है, एक लार्ज वाला जो मैंने चेक इन में दे दिया, तो लार्ज वाला उधर है अभी और ये मेरे पास है बिल्कुल ये वाला। तो ये बहुत सही चीज़ है, अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो एक दो एयर टैग तो ले ही लो। फ्लाइट का 2 बजे का टाइम है और अभी 1:47 हो चुके हैं और काउंटर पे कोई भी नहीं दिख रहा। ये देखो लोग खड़े हैं लाइन बना के, मैं तो अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ। बोर्डिंग के लिए चेक इन सा हो गया, 154 हो गया, 6 मिनट रहती है वैसे तो ऑफिशियली जो टाइम था,
उसमें। मेरे को लग नहीं रहा था बाकी इतनी जल्दी निपटा देंगे, किस हिसाब से पीछे ढील बरत रहे थे, पर एकदम जल्दी जल्दी हो गया सब। 5 मिनट बचे और आ गया मैं प्लेन के अंदर, टाइमली हो गया एकदम से। मेरी सीट है 16E, ये कौन सी है, 13 ये बैठते चल के, छोटा ही प्लेन है ये है भाई। सीटें पैर तो मेरे वैसे ही नहीं आते पर ठीक है फिर भी उस हिसाब से, लेकिन स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं एंटरटेनमेंट के लिए और बस ठीक ठाक ही है। Deberán colocar todo su equipaje en los compartimentos superiores para el despegue y aterrizaje. Please ensure that all of your belongings are either stowed well under the seat in front. Wi-Fi है तो फ्लाइट में पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा, चेक करते हैं। नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, नहीं चल रहा वाईफाई तो। अभी वक्त हुआ है 2:17 और अभी चली नहीं है फ्लाइट, बाकी बैठ गए लोग सारे। El uso durante todo el vuelo de teléfonos celulares y tabletas electrónicas con la funcionalidad de modo de avión activada, así como lectores electrónicos, videojuegos y reproductores. Samaan load ho raha tha abhi tak to mere khayal, ab khatam hua hai load hona. Lagbhag aadha ghanta late hai plane, par chalo koi nahi. Bags rakh to diye inhone, mere ko वैसे डर था कि भी बैग गुम कर सकती है ये लाइन के हिसाब से मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, इसलिए मैंने ये टैग डाल तो दिया, देखते हैं बाकी अपना बैग पहुँचता है नहीं पहुँचता, मिलता है नहीं मिलता आगे। भाई और सामने इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन क्लियर कर लेते एक बार फिर आराम से बात करेंगे। इमिग्रेशन की भीड़ देखो यार कितनी बड़ी लाइन है, पर देखते हैं कितनी देर में होती है क्लियर। इमिग्रेशन तो होगी, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था क्योंकि US वीज़ा था ना, तो वीज़ा देखा उन्होंने और 90 दिन का वीज़ा दे दिया, मतलब 90 दिन तक मैं आ रहा हूँ मैक्सिको में 16 जनवरी तक। और अभी बैग ले लेता हूँ एक बारी, तो मेरे को ना स्क्रीन नहीं मिल रही थी ये देखने के लिए कि मेरा बैग कौन सी बेल्ट पे आएगा, पर ना मैंने फाइंड माय आईफोन में वो एयर टैग डाला था ना, तो बैग तो अपना खोया नहीं, वो एयर टैग ट्रैक करके मैं अपने आप ही बेल्ट पे पहुँच गया। बढ़िया चीज़ है भाई ये, वो आ तो गया बैग मेरा, पर इसका ये कवर सा उतरा हुआ कैसे है, उतार के किसी ने दोबारा चढ़ाया तो, या बैग खोला है पता नहीं, अभी देख लेंगे कोई नहीं। मैंने ना उल्टा बांधा था, इस डायरेक्शन में तो बांधा ही नहीं था। अच्छा फट गया ये, फट गया, बंदा तो वैसा ही हुआ है बस फट गया ये, चलो कोई नहीं क्या इलाज है अब। ये भाई अपने बैग का रेन कवर, अब बाकी मौसम यहाँ पे ऐसा ही होएगा बारिश वाला, तो देखते हैं नया मिलता है कहीं तो ठीक है। बैग ले लिए मैंने और सोचा एक बार पैसे एक्सचेंज करा लेता हूँ, थोड़े मैक्सिको की करेंसी ले लेते हैं, देखते हैं क्या रेट मिलता है इधर। उस पे मनी एक्सचेंज वाले पे मैं गया, मैंने उसे निकाल के $20 का नोट दे दिया, मैं बोला इसके मेक्सिको मेक्सिकन पैसो दे दे, वो बोला कि कम से कम $400 चेंज कराने पड़ेंगे, मैं बोला हैं $400, मैं 400 पैसे कह रहा हूँ कहीं, तो एक $1 में 20 मेक्सिकन पैसो होते हैं, तो मेरे को लगा कहीं कह रहा हूँ कि 400 मेक्सिकन पैसो लेने पड़ेंगे, तो $20 के तो 400 मेक्सिकन पैसो ही बन रहे थे, मैं बोला $20 ही है, बोला नहीं $400 चाहिए हमें मिनिमम एक्सचेंज करने के लिए। मैं मन में सोच रहा पागल हो रहेगा तू, एयरपोर्ट पे वैसे ही रेट इतना गंदा मिलता है और रात ही $400 चेंज करा लूँ। फिर मैं वापस आ गया और अभी बाहर निकला हूँ, बाहर भीड़ देखो कितनी आ। ये बाहर निकलते ही इतनी भीड़ लगी थी और ना हर जगह स्पेनिश बोल रहे सारे लोग, ऑफिसर्स भी स्टाफ वाले भी, और मोस्टली जो साइंस है ना वो भी सिर्फ स्पेनिश में है, कुछ जगह जैसे अभी तो एयरपोर्ट पर तो इंग्लिश में भी है स्पेनिश में भी, पर एयरपोर्ट पे भी काफ़ी जगह सिर्फ स्पेनिश में भी है साइंस, जैसे टॉयलेट वगैरह में। वैसे एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे ना, लैंड होते ही प्लेन से बाहर वो घर दिखने लग रहे थे जिन पे वो पानी की टंकियाँ थी अपने इंडिया की तरह, तो मतलब फील हो गया था कि यहाँ अभी US में नहीं है। और उसकी बात कर लेते हैं अपन एक बार एयरलाइन एक्सपीरियंस की, तो बैगेज की बात करें तो बैगेज वैसे तो काफ़ी ठीक से हैंडल कर रहे थे एयरलाइन का जो ग्राउंड स्टाफ था, मैं खिड़की में से देख रहा था, पर पता नहीं क्यों ये कब फटा है कैसे फटा है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसा मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एयरलाइन का, हालांकि एयरलाइन में खाना जो था वो नहीं दे रहे थे, मतलब पैसों में था, खरीद सकते थे आप पेमेंट करके, फ्री खाना नहीं था,
पर मैं घर से चूरमा लाया था, मेरी बहन ने चूरमा बना के दे रखा था, तो मैंने तो प्लेन में बैठ के आराम से चूरमा खाया, पेट भर दिया। एक थोड़ा मेरे को ये जरूर लगा कि ना सारी अनाउंसमेंट्स स्पेनिश में होने लगी थी, इंग्लिश में नहीं हो रही थी, तो ये थोड़ी समस्या थी। हो रही थी इंग्लिश में ही, पर मोस्टली सारी स्पेनिश में ही थी। अब अपने को बाहर निकल के एक तो टैक्सी ढूंढनी है और अपने हॉस्टल में पहुँचना है। मैक्सिको को कहा जाता है कि बहुत सेफ कंट्री नहीं है, स्पेशली यूएस में हर आदमी जब भी मैं बताता ना कि मैक्सिको जा रहा हूँ, सब बोल रहे थे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा क्राइम है वहाँ पे। अमेरिकन्स को तो सारे देश ही लगते हैं पूरी दुनिया में, पर देखते हैं अपन अब चल के। एक और चीज़ मेरे को ना, सारे लोग यहीं का लोकल सा ही समझ रहे हैं, ये भी ब्राउन ही है दिखने में अपने जैसे से ही, तो वैसे भी कुछ करके मेरे साथ सारे स्पेनिश में बोल रहे हैं। बाकी एक चीज़ तो पक्की है कि भी जो रिव्यूज़ थे ऑनलाइन एयरलाइन के वो तो काफ़ी गंदे थे, लेकिन असली में एक्सपीरियंस गंदा नहीं था। मैं तो कहूँगा डिसेंट एयरलाइन थी और मेरा डिसेंट एक्सपीरियंस था। अब मैं एयरपोर्ट के बाहर निकल गया और यहाँ से टैक्सी अपनी या तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, बाकी ऊबर लेना ही ठीक रहेगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ऊबर बुक कराता हूँ मैं। अभी 5 मिनट पहले यहाँ से मेरे हॉस्टल तक की ऊबर राइड दिखा रहा था 100 मैक्सिकन पैसों की, और बिल्कुल अभी देखा तो 250 मैक्सिकन पैसों हो गया। कह रहे कि डिमांड ज़्यादा है, मतलब एकदम ही 2.5 गुना रेट बढ़ गए। 1 मैक्सिकन पैसों में 4 कुछ इंडियन रुपये होते हैं, तो अपने 450-450 रुपये लगने चाहिए, 1000 रुपये लगेंगे इंडिया के। बाकी ये कुछ नज़ारे एयरपोर्ट के बाहर के, काफ़ी सिक्योरिटी है इधर तो, वैसे अंदर भी काफ़ी सिक्योरिटी है और इधर गेट के आसपास भी। मैंने सोचा ATM से पैसे निकलवा लेते हैं थोड़े से इमरजेंसी के लिए, ATM देखते हैं। ये रेल लाइन में ही है कई सारे ATM, भीड़ देखो यार कितने निकलवाया अपन, निकलवा लेते 1000। ये अपने इंडिया के 4-4.5 हज़ार रुपये कुछ आएंगे, कितना लगेगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं। पैसे कम निकाल के देखते हैं, सुबह भी 174 ले गए तो फिर तो ज़्यादा ही निकाल लेते यार। ₹3000 भी इतना ही लेगा, चलो निकलवा ही लेते हैं। ये है भाई इधर की करेंसी, ये आ गया पर्चा। चलो भाई 3000 मैक्सिकन पैसों के मेरे घटे 13,173 रुपये। ऊबर मैंने करा लिए, गेट से बाहर निकलते हैं और बैठते हैं टैक्सी के अंदर। ये रही गाड़ी अपनी 50-45। ये आ गया भाई हॉस्टल अपना, टैक्सी से उतर गया, कैब के मेरे लगे 140 मैक्सिकन पैसो, जो कि अपने इंडिया के 535 रुपये बनते थे, तो मैंने 150 ही दे दिए उसे, 150 मैक्सिकन पैसो। और ये हॉस्टल आ गया, हॉस्टल में ऊपर चलते हैं। ये ना शायद पार्टी हॉस्टल है क्योंकि गानों की आवाज़ आने लग रही है काफ़ी तेज नीचे तक ही। एक बढ़िया चीज मेरे को लगी, अभी हम ना बिल्कुल सेंटर में है मैक्सिको सिटी के, और यहाँ पे भी वाईफाई है, मतलब मैक्सिको में भी सिटी में ओपन वाईफाई, कमाल है वैसे। किचन रिसेप्शन का है, सही में पार्टी हॉस्टल है भाई ये तो, हाँ इधर होनी चाहिए रिसेप्शन। तो ये है हॉस्टल का कमरा और वो मेरा बेड है, हाथ पे इन्होंने ये ब्रेसलेट सा बांध दिया जिसमें रूम की है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। ये अंदर बेड है, सही है मेरे को तो सही लगा हॉस्टल, मतलब प्राइवेसी सी है इस पर्दे की वजह से, और ये थोड़ा कोने का हो गया तो इसलिए और भी सही है। बाकी इस हॉस्टल में एक तरह से पार्टी हॉस्टल ही है, और जगह जगह वो रिसेप्शनिस्ट जो थी ना वो मेरे को कमरे की चाबी दे रही थी, तो बता रही थी कि भी क्या क्या एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, तो भाई इतनी चीजें बता दी कि शाम को 6 से 7 50 पैसो, यानी कि इंडिया की तरह 225-250 रुपये में अनलिमिटेड ड्रिंक्स है 1 घंटे के लिए। रात को पब रोल्स वगैरह होते हैं, रात को पूरे हॉस्टल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो लोग रुके हुए हैं, रात को पार्टी करने बाहर जाते हैं, सुबह सिटी देखने बाहर, दिन में कोई और इवेंट, मतलब पूरा दिन दारू दारू दारू। मैं उसको कह रहा था मैं अगर मैं इधर रह लिया ना तो मेरा
सिर फट जाएगा दो तीन दिन में इतनी पार्टी देख देख के और करके। रूफटॉप है इनके, रूफटॉप पे भी पार्टी सी चल रही है, आवाजें आने लग रही है। तो मैं चाहता था आपको भी जाके ऊपर दिखाऊं, पर मैं सोच रहा हूँ वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और अपन टॉपिक से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लग रहे हैं। फिलहाल टॉपिक अपना था कि भाई वो एयरलाइन का सफर कैसा रहता है, मेक्सिको का फर्स्ट इंप्रेशन तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अंधेरा था जब मैं यहाँ पे पहुंचा, तो ज्यादा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला। अभी बाहर निकलूंगा, घूमूंगा, कल वीडियो बनाऊंगा अच्छे से कि भी फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कैसा रहा मेक्सिको सिटी का या फिर मेक्सिको कंट्री का। एयरलाइन के बारे में दोबारा अपन बात करें तो देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस काफी सही था, बहुत अच्छा तो नहीं था पर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल का बार था वो पहले ही बहुत कम था, तो उस हिसाब से मेरे को लगा जितना बार था उससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि टिकट सस्ती थी और अगर आप लोगों को भी ऑप्शन मिल रहा है इस एयरलाइन से फ्लाई करने का तो आप कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि भी वर्स्ट एयरलाइन थी। हर बारी रिव्यूज पे पूरी तरह हमें भरोसा नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे, कई बार ऐसे होता है जिन चीज़ों की रिव्यूज बेकार हो वो अच्छी भी मिल जाती है और कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी हो वो बेकार भी मिल जाती है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा होगा, टेक केयर एंड गुड बाय। It's a screwdriver or something like that. Yeah. इनका भाई साहब का अंदर सामान रह गया और चाबी गुम होगी तो ताला तोड़ना पड़ रहा है।